मैं आपकी होस्ट राज बात कर रही हूँ। मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेथी कैसे उगाई जाती है। मैंने लास्ट टाइम मेथी उगाई थी, उसको यूज़ किया था मेथी पराठा में। तो सबने मुझसे पूछा था, सवाल किया था कि मेथी कैसे उगाई जाए। तो सबसे पहले तो मेथी का ये है कि जो इसके मेथी के दाने हैं उसको कम से कम आप 12 घंटे ओवरनाइट भिगो दो, एटलीस्ट 12 घंटे। ये ऑलमोस्ट मैंने इसको 15-16 घंटे हो गए, तो पहले इसमें से मैं पानी निकालूंगी। इसको भिगोना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये पूरी रात भिगोई थी, अब इसमें से पानी निकाल दिया है। एक दफ़ा पानी इसका खुद का निकाल के फिर वापस साफ पानी से इसको वॉश किया है। अभी इसका इसके अंदर पानी नहीं है। अभी ये जो है वो आपके पास, अगर मेरे पास प्लास्टिक की जाली नहीं है, प्लास्टिक की हो तो और भी अच्छा, ये स्टील की है मेरे पास, उसके अंदर सुराख होना चाहिए। और फिर ये इसके अंदर मैंने ये पेपर टॉवल डाला है। पेपर टॉवल का काफ़ी लोग पूछते हैं कि पेपर टॉवल क्या है। पेपर टॉवल एक टिश्यू पेपर होता है जो थोड़ा मोटा होता है, हाथ साफ करने के लिए या डिशेस को वो ड्राई करने के लिए थोड़ा मोटा होता है, उसको पेपर टॉवल। अभी इसको पूरे धानों को उसके अंदर फैला दिया है। अभी एक और पेपर टॉवल जो है वो इसके ऊपर रखेंगे। इसको बिल्कुल कवर कर लेंगे पेपर टॉवल को। और इसके ऊपर जो है वो थोड़े पानी के छींटे लगाएंगे, इसको पूरे को गीला करेंगे। इसके अंदर पानी के छींटे लगा दिए ताकि ये पूरा पेपर टॉवल जो है वो गीला हो जाए, ठीक है। अभी इसको आप ऐसी प्लेट के साथ ढक देना। प्लेट का ढकने का मकसद ये है कि वो जल्दी जर्मिनेट होंगी, कि जो उसके ऊपर पूरी हो या बिल्कुल इसको दबाए नहीं, या इसके अंदर भले चली जाए लेकिन ऐसी राउंड की कोई प्लेट हो, अगर हो तो उसके ऊपर लगा देना, तो ये उसको जर्मिनेट होंगे अंदर ही अंदर इसका जो है वो। और उसको दिन में 2 से 3 दफ़ा प्लेट हटा के पानी के छींटे लगाना, ताकि ये जो है वो गीले हों, ड्राई नहीं हो जाए, ठीक है। अब इसको 24 आवर्स हो गए हैं। इसको मैंने डाल के रखा था आपको, जैसे दिखाया था पहले कि इसके अंदर पेपर टॉवल में, तो इसमें देखो रूट्स निकल आई है। देखो इसके अंदर से जो है बीच के अंदर से रूट्स निकल आई। तो अभी पेपर टॉवल को निकाल लेंगे। और सबको जो ये जो इसके जो सीड्स हैं, बीज हैं, इसको सबको उसमें डाल देंगे छन्नी के अंदर, और छन्नी के नीचे प्लेट में पानी भर देंगे। ये देखो छन्नी में पानी, ये प्लेट में पानी भरा है। अभी ये जो है वो छन्नी इसके ऊपर रखेंगे, तो पानी जो है वो रूट्स के अंदर जाएगा और नीचे से रूट्स निकलेंगी और ऊपर से ये ग्रो होगा, ठीक है। और अभी इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से रूट्स निकल आई हैं, तो इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको अभी देखो 8 दिन हो गए हैं इसको ग्रो करते हुए, तो अभी 2-3 दिन 4-5 दिन और उसको रखेंगे, ताकि ये थोड़ा और भी ज़्यादा हो जाए, बड़े हो जाए मेथी के पत्ते, तो फिर इसको काटेंगे, ठीक है। आज 13 दिन हो गए इसको, अभी ये बिल्कुल रेडी है काटने के लिए। इसके देखो नीचे भी जो है वो इतनी बड़ी रूट्स निकल आई है। ये इसकी मैं आपको एक टिप बता दूँ कि इसको हर ये 13-14 दिन जो भी लगते हैं, एवरी डे जो है वो पानी इसका चेंज करना है अपन को, एवरी डे ये पानी पुराना गिरा के और इसके अंदर प्लेट के अंदर जो है
ये प्लेट के अंदर जो है वो नया पानी भरना है एवरी सुबह को या दोपहर को जो भी एक दिन दिन में एक दफ़ा इसको पानी को ज़रूर चेंज करना है। तो ये देखो इसकी बड़ी बड़ी रूट्स निकल आई हैं और मेथी भी अच्छी ग्रो हो गई है, तो अभी ये बिल्कुल तैयार है और ये काटने के लिए ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, 12-13 दिन में जो है वो आप घर की मेथी या पराठे बनाओ या खाने में यूज़ करो या कच्ची खाओ, लोग काफ़ी लोग कच्ची भी खाते हैं क्योंकि ये शुगर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, शुगर के लिए, डायबिटिक के लिए। तो आप ज़रूर उसको ट्राई करो और आपको अच्छा मज़ा आएगा। इसमें ना केमिकल है न इसमें कोई दवाइयाँ डली हुई हैं, तो और ज़्यादा हेल्दी है ठीक है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, आप घर पे उगाइएगा ज़रूर।